HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने नागौर नागिन की कहानियाँ तो जरूर सुनी होंगी और फिल्मों में देखा होगी कि यदि कोई नागिन के पति नाग को कोई शख्स मार देता है तो नागिन उस शख्स से बदला लेने के लिए दिन रात एक कर देती है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला यूपी के कानपुर से आया है। यहाँ पर एक नागिन ने अपने पति का बदला लेने के लिए महिला को डस कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया है। बता दें कि कानपुर के चौबेपुर के किशनपुर गांव में सुरेश यादव की पत्नी उमा देवी घर के आंगन में काम कर रही थीं। इस दौरान महिला की एक सांप पर नजर पड़ी। सांप को देखकर महिला ने शोर मचा दिया। इसके बाद लोगों ने उस सांप को लाठियों मार दिया। सांप के मर जाने के बाद घर वालों ने उसे जला दिया। नागिन अपने मरे हुए पति का बदला लेने के लिए अगले दिन उमा देवी के घर पहुँच गयी। घर का काम कर रही उमा देवी को नागिन डस लिया। महिला की चीख पुकार सुनकर लोग उसके पास दौड़ तो देखा, नागिन महिला के पास बैठी थी। देखते ही देखते नागिन ने वहीं पर दम तोड़ दिया और उमा देवी की भी मौत हो गई।